हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। सीमा 2021 31 मार्च को अपना कंडक्ट हुआ था, तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या है वो देखते हैं। एंड अब ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट मतलब यही डेट पे रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है ना, इट इज़ अ एनालिसिस। पिछले 2-3 साल में कैसे कितने दिनों में रिजल्ट आता था उसके बेसिस पे एनालिसिस करके है ना। कोई प्रेडिक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो एक एनालिसिस है वो हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कॉलेजेस ओपन टू अप्लाई सीमेट के थ्रू। आप अभी भी कौन से कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हो वो आप देख सकते हो, है ना। प्लीज गो थ्रू द वीडियो। ऐसा मतलब दिस वीडियोस आर टू हेल्प यू मेक द डिसीजन, है ना। तो ये वीडियो के फॉर्मेट में हम सब कुछ आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि हम इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को कॉल करके नहीं बता सकते कि भैया ये कॉलेज अप्लाई करो, दीदी ये कॉलेज अप्लाई करो, है ना। ये हम नहीं बता सकते, इसलिए ये वीडियो फॉर्मेट में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। आपको मतलब वीडियो लाइक करना है, वीडियो डिसलाइक करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का ये हमारा मोटिव नहीं है। हमारा ये वीडियोज बनाने का मोटिव है दैट यू शुड वॉच दीज वीडियोज एंड उसके बाद प्रॉपरली डिसीजन लो, ठीक है ना। इंडिविजुअली इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप ऐसा ऐसा करो, इसलिए वीडियो के फॉर्मेट में आपको सारा बताया जाता है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, ठीक है। तो सीमेट 2019 28 जनवरी को हुआ था, 6 फरवरी को रिजल्ट आ गया था। मतलब कितने, आठ आठ कितने, 29, 30, 31, हाँ 8-9 दिनों में रिजल्ट आ गया था। फिर सीमेट 2020 28 जन को एग्जाम हुआ था, 4 फरवरी को रिजल्ट आ गया था। तो मतलब ये कितने, 7 दिनों में रिजल्ट आ गया था, 6-7 दिनों में रिजल्ट आ गया था। तो अभी भी वैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 31 मार्च को एग्जाम हुआ, मैक्सिमम 10 दिन लगेगा, है ना। तो 10 दिन के पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। 28th of January को सीमेट 2020 का एग्जाम हुआ था एंड इसका 30th of January को ये आ गया था, क्या आंसर की आ गई थी इसकी, ठीक है। 2019 में आंसर की प्रोवाइड ही नहीं की थी, 2020 में 30th of January मतलब 2 दिन में आंसर की आ गई थी। तो ऐसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार सीमेट 2021 का आंसर की आपका आ जाएगा 3-4 अप्रैल तक, 10 अप्रैल मैक्सिमम, 10 अप्रैल तक आपका डिसीजन, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो मैं ये प्रेडिक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमको आगे देखना है कि हमको किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और किस कॉलेज के लिए नहीं, है ना। ये प्रेडिक्शन करने का कोई मोटिव नहीं था, किसी ने हमको पूछा भी नहीं था कि रिजल्ट कब आएगा। ये प्रेडिक्शन इसलिए कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा किस कॉलेज को अप्लाई करने के लिए डिसीजन लेना है जल्द से जल्द, ये डिसाइड करने के लिए ये हमने थोड़ा सा छोटा सा प्रेडिक्शन किया है, ठीक है। अभी कॉलेजेस टू अप्लाई कौन से कॉलेजेस हैं। अभी सीमेट के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे ग्रेट लेक्स, जैसे KJ सोमया, ग्रेट लेक्स चेन्नई, IIT नागपुर, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ अराउंड 90-95% की तरह आसपास जाता है। बट ये कॉलेजेस के एप्लीकेशन अभी क्लोज हो चुके हैं। इवन वेलिंगकर कॉलेज का भी एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है ना। तो अभी वो कॉलेजेस की तरफ देखे कोई मतलब नहीं है। कौन से कॉलेजेस अभी अपने हाथ में है, तो IFMR चेन्नई, इसका राउंड 2 का 14th of April को लास्ट डेट है इसका राउंड 2 का एप्लीकेशन का। एंड इसमें कट ऑफ है अपना अराउंड 85% के आसपास, है ना। तो 85% कितने मार्क्स पे आएंगे उसका एक हमने लास्ट येस्टरडे का हमने प्रेडिक्शन किया था, उसका लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। NIBM पुणे, अगेन अ वेरी गुड कॉलेज, 20th of April को इसका लास्ट डेट टू अप्लाई है, 85%। बिमटेक नोएडा, इसका उनके वेबसाइट पे, ये सारा जो है ना उनके वेबसाइट से, ओरिजिनल वेबसाइट जो बिमटेक नोएडा, NIBM, क्राइस्ट बेंगलोर की, इनके वेबसाइट पे जो दिया है ना वही डेटा मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बिमटेक नोएडा का लास्ट डेट अभी तक दिया नहीं है बट इट इज स्टिल ओपन। फिर क्राइस्ट बेंगलोर 4 अप्रैल तक है। अभी ये क्राइस्ट बैंगलोर, इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाकी सारे कॉलेजेस जो है वो तो 10 अप्रैल के बाद ही आने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि भाई ये जो बाकी कॉलेजेस है वो तो 10 अप्रैल के बाद भी शायद एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। क्राइस्ट बैंगलोर ये 4 अप्रैल इन्होंने डेट दिया हुआ है, तो आपको रिजल्ट के पहले यहाँ पे डिसीजन लेना है। एंड क्राइस्ट बैंगलोर का उनके वेबसाइट पे 60% बोल रखा है कट ऑफ, बट दैट इज द बेसिक कट ऑफ। आप पकड़ के चलो कि अगर आपके 80-85% की रेंज में आने वाले हैं तो क्राइस्ट बैंगलोर आपने अप्लाई करना चाहिए, ओके। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इंडिविजुअली कि ये आपको करना पड़ेगा। ये वीडियो के फॉर्मेट में आप ऐसा समझो कि मैं आपको इंडिविजुअली बोल रहा हूँ।
अगर आपके 80-85% के आसपास आ रहे हैं, आपको बैंगलोर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्राइस्ट बैंगलोर का फॉर्म भर दो, ठीक है। देन एनआईए पुणे 15th अप्रैल, एनएल दालमिया 30th अप्रैल, ये फेज टू है। फिर एसआईएस 15th अप्रैल, इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे, इसका भी ओपन है। उनके वेबसाइट पे अभी तक दिया नहीं है कि कब क्लोज होगा, तो अभी ओपन है। एक्सआईएमई रांची, ये 30th अप्रैल तक इनका अवेलेबल है। ये सारे कॉलेजेस के कट ऑफ है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड कीप अ ट्रैक कि अभी कौन सा आने वाला है ना। तो आपको रिजल्ट आने तक सिर्फ एक क्राइस्ट बेंगलोर का ही टेंशन है ना। बाकी तो आप रिजल्ट के बाद डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। और कोई डाउट है तो यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन एनी वन ऑफ दीज थ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और विजिट अवर वेबसाइट tarkashastra.co.in, और सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन एनी वन ऑफ दीज टू नंबर्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।